भारत के पक्के दोस्त रूस ने एक बार फिर से भारत के लिए वो किया जिसे सुनने के बाद भारत रूस की दोस्ती से जलने वाले देशों की नींद ही उड़ जाएगी। दरअसल ईरान और रूस मिलकर भारत और खाड़ी देशों को जोड़ने वाले रास्ते को पूरा करेंगे और इस रूट के पूरा होते ही पश्चिमी समुद्री रास्तों की जरूरतें खत्म हो जाएंगी। इस रूट के लिए ईरान के परिवहन मंत्री मेहरदाद बजरपास और रूसी परिवहन मंत्री ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करके दुनिया को चौंका दिया और दे दिया भारत को बड़ा गिफ्ट। चलिए अब जानते हैं इस रूट के बारे में। दरअसल इसके तहत ईरान के उत्तर में करीब 164 किलोमीटर लंबी रेलवे की लाइन चलेगी और अगर ध्यान से समझे तो ईरान के दक्षिणी तट पर समुद्री परिवहन मार्ग को रूस से जोड़ने के लिए रास्ते का ये एकमात्र अधूरा हिस्सा है और जैसे ही ये लाइन बनेगी वैसे ही रूस से भारत तक एक सीधा व्यापार मार्ग तैयार हो जाएगा। अब रूस ने ये कदम बढ़ाकर अपने दुश्मनों को चेतावनी दी कि उसे सिर्फ अपने मित्र देशों की जरूरत है और भारत रूस का पक्का दोस्त। और यहाँ एक बात ये भी सामने आ रही कि रूस और ईरान दोनों ही पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध झेल रहे हैं, समुद्र हो, रेल हो या हो सड़क, जिसके जरिए ये रास्ते उन्हें रूस से सीधा भारत के बीच व्यापार के लिए ऐसा मार्ग उपलब्ध कराता है जिसमें पश्चिमी देशों के प्रभाव वाले समुद्री रास्तों से नहीं गुजरना होगा। इन समुद्री रास्तों में भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली स्वेज नहर भी शामिल होगी जहां से रूस के समुद्री जहाजों को गुजरना पड़ता है। अब अगर इस समझौते की बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए और तो और पीएम मोदी के पक्के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस प्रोग्राम में एक वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया और फिर दोनों नेताओं ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये बड़े आर्थिक मौके लेकर आया। जो मार्ग बनाया जाएगा वो उत्तरी ईरान के शहर रास को अजरबैजान से लगी सीमा पर अस्तारा तक पहुंचाएगा। इस प्रोग्राम को लेकर रईसी ने कहा, जब ये रेलवे मार्ग पूरा हो जाएगा तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने में सहायक होगा। रूस के साथ व्यापार में बड़ी संभावनाएं हैं। ताजा समझौता ईरान और रूस के बीच सहयोग की दिशा में एक अहम कदम है। इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि नए निवेश और रोजगार से तेहरान और मॉस्को दोनों को आर्थिक लाभ होगा। उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला ये अनूठा मार्ग अंतर्राष्ट्रीय परिवहन को बड़े पैमाने पर बढ़ाएगा। नए मार्ग से सामान के परिवहन का बड़ा फायदा होगा। खैर, इस समझौते के बाद रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से भारत में मुंबई तक सामान ले जाने में करीब 10 दिन का वक्त लगेगा जबकि पारंपरिक रास्ते से इसमें 30 से 45 दिन लगते हैं। अब आपका क्या कहना है इसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।